अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो कि खुश्क इलाकों में रहते हैं, जिन्हें पानी बहुत ज़्यादा मकदार में अवेलेबल नहीं होता, उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो टोलीरेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को। दे कैन टोलीरेट डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को टोलीरेट करने की कैपेसिटी जो है एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा दिन तक पानी पिए बगैर रह सकते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कम दिन पानी पिए बगैर रह सकते हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। जैसे कि अगर हम ऊँट की, कैमल की बात करें, तो वो काफ़ी दिन पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है बनिस्बत दूसरे जानवरों के। सो वी कैन डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। To tolerate dehydration. is called anhydrobiosis. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एनहाइड्रोबायोसिस की कैरेक्टरिस्टिक को रखते हैं, तो उनमें आता है यीस्ट, नेमाटोड्स, रोटीफर्स, एटीसी। इन ऑर्गेनिजम्स में और इनके अलावा भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एनहाइड्रोबायोसिस की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। एनहाइड्रोबायोसिस की वजह से ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। जिस तरह से उन्हें पानी कई दिन के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकते अगर उनमें एनहाइड्रोबायोसिस की कैरेक्टरिस्टिक ना पाई जाए।